जी सर, ये मैच इम्पोर्टेंट था क्योंकि ऑफ कोर्स ओलंपिक ईयर है और मैं पिछले एक साल से आउट ऑफ कंपटीशन थी, मतलब सिर्फ एक ही कंपटीशन लड़ा था, उसी में इंजरी हो गई, तो मतलब पूरा साल मेरा वेस्ट गया था पिछला, तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को इस मेडल से और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा क्योंकि इंजरी के बाद ऑफ कोर्स आप जीतते हो तो कॉन्फिडेंस आपका अप होता ही है। सर, हमारी ऐसे तो बातचीत नहीं होती, लेकिन ऑफ कोर्स जीतना वो भी चाहते हैं जीतना मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि हम मेहनत ही उस चीज़ के लिए कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमसे सीनियर भी हैं, तो अच्छा लगता है आप, क्योंकि इंडिया में ही आपको इतना अच्छा कंपटीशन मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स आप उस लेवल पे, क्योंकि अभी क्वालिफाइंग आएंगे तो मैं अपने आप को देख सकती हूँ कि मेरे को अपनी कितना काम करना है अभी खुद के ऊपर, और ट्रायल्स भी आने वाली हैं अपनी, तो उसके ऊपर काम करेंगे। हाँ जी जी सर, क्योंकि मैं इंजरी में थी तो काफ़ी वेट बढ़ गया था मेरा, तो कंटिन्यू इंजरी हो रही थी, पहले सर्जरी हुई एल्बो की, उसके बाद लिगामेंट टियर हो गया नी का, फिर दोबारा से फिर वही सेम इंजरी रिपीट होगी, तो सभी डॉक्टर्स ने और सबने फिजियो ने सबने मना किया कि एकदम से, क्योंकि मैं वेट काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो कम करने की बजाय एक कैटेगरी हम ऊपर खेलेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी अगर इंजरी हो जाएगी तो फिर हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है और ना ही अभी हमारे पास रिहैब का टाइम होगा ना किसी चीज़, तो उस सब चीज़ों को साइड करके इसीलिए हम एक वेट ऊपर लड़े हैं। जी सर, आप सबको पता ही होगा क्योंकि जो जापान रेसलिंग है वो वुमेन रेसलिंग में वो दी बेस्ट है, मतलब उससे ऊपर कोई है ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितने ओलंपिक में मेडल उनके आते हैं, जितने वर्ल्ड चैंपियन उस कंट्री से हैं, तो अभी मैं वहाँ पे जा रही हूँ तो कुछ टेक्निकल जो मैं गलतियाँ कर रही हूँ या जो ट्रेनिंग में कुछ गलतियाँ कर रही हूँ तो उनको और अच्छा करने के लिए, थोड़ा अपना इम्प्रूवमेंट के लिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। सर, एशियन गेम्स थे, चार साल में एक बार आता है, ओलंपिक क्वालिफाई की वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, मैं वो भी नहीं लड़ पाई, तो एक दिमाग में थोड़ा सा, दिमाग में तो नहीं लेकिन दिल में तो एक वो होता है कि अभी चार साल बाद आएगा कि, और वो भी मैं, अगर आप अपना 100% देते हो किसी कंपटीशन में तो आप सेटिस्फाई होते हो कि मतलब तूने दिया 100%, लेकिन हार गई कोई बात नहीं, उस पे काम करेंगे, लेकिन मैं 10 दिन हुए थे मेरे को, क्योंकि पहले इंजरी थी, एशियन चैम्पियनशिप में इंजरी हुई, फिर वो ट्रायल्स की डेट थोड़ी ऊपर नीचे शिफ्ट हो रही थी, तो उस करके थोड़ी जल्दी ट्रेनिंग शुरू कर दी, फिर 10 बिल्कुल ट्रायल से 10 दिन पहले दोबारा से फिर सेम इंजरी होगी, तो मैं अपना 100% ही नहीं दे पाई, एक अंदर वो मलाल तो रहता ही था कि जब भी, और फिर हुआ ऐसा कि 3-4 महीने बिल्कुल ट्रेनिंग से भी बाहर हो गए, कोई मैट पे कुछ कर नहीं सकते थे, अपनी गलतियों पे भी काम नहीं कर सकते थे, तो वो कुछ टाइम था, लेकिन मैंने इंजॉय किया उस टाइम को भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी रही, क्योंकि हार जीत है वो एक लाइफ का भी पार्ट है और गेम का भी पार्ट है, एक ना एक तो जीतेगा और एक हारेगा उस चीज़ में, तो हम उस पर कितना दुखी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये कॉम्पिटिशन था तो मेरे लिए, मतलब मैं जीती हूँ तो मेरा ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और आगे ट्रायल्स में भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पापा का सर, अगर मेरे पापा नहीं होते तो शायद मैं भी आज यहाँ नहीं होती, ये मतलब मैं यही बोलूँगी कि मेरी मेहनत तो 40-50% है, बाकी तो मेरी मम्मी की, मेरे पापा की है, सारी उनकी है, और पापा के साथ मैं को मतलब मज़ा आता है, ऑफकोर्स ट्रेनिंग में जब मैं पिटती भी हूँ, मेरे को डांट भी पड़ती है, तब दुख भी होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए आज तक मैं हारी हूँ, मैं जीती हूँ,
तो जीती हूँ तो ऑफकोर्स खुशी हुए हैं वो, लेकिन मैं अगर कहीं पे हारी भी हूँ तो कभी उन्होंने मेरे को कभी डांटा भी नहीं कि तू हारी है तो, या मेरे को कंपटीशन के लिए कभी मेरे को मेरी पिटाई हुई हो या कुछ हो, या कभी नहीं हुआ उन्होंने। मैं एशियन गेम्स में भी आ रही तो उन्होंने इतने चिल थे वो, उन्हें कोई बात नहीं, जो हमने गलतियाँ की उन पर काम करेंगे, सिर्फ हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। सर बातचीत तो अभी होने ही नहीं थी, नाडा वाले आ गए वही उसके लिए, लेकिन ऑफकोर्स वो भी इंजरी में से आए तो मैं समझ सकती हूँ, वो मेरे को समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है, कॉन्फिडेंस भी आपका कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम होता है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है और उन्होंने, क्योंकि इतने सब कुछ है मेंटली और फिजिकली उन्होंने इतना कुछ सहा है, उसके बाद वो आज जीते हैं तो बहुत खुशी हुई। जी लास्ट ओलंपिक में भी मैं बहुत नज़दीकी से हार गई थी, मतलब मेडल के बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद मैं वहां पे हार गई, लेकिन उस चीज़ का मलाल है और कोशिश करेंगे, अपनी जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी स्ट्रेटर्जी करेंगे, वो सब ओलंपिक्स के लिए, ओलंपिक के मेडल के लिए ही होगी, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, जो भी वो होगा, वो परमात्मा देगा हमने कितना क्या किया है उस चीज़ पे।